चलेगा, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हेलो हेलो, ये बैन इधर आ जाते हैं। कैन वी गेट यू टू द फ्रंट ऑफ दिस प्लेस, कैन यू कम दिस साइड। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, दैट इज डॉक्टर सरिता सुब्रमण्यम सेंटर। सुब्रमण्यम, वेलकम एवरीवन, कम बैठो बैठो। Mumbai roars. Mumbai roars. For Avni. For Avni. Save 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 Avni. आज टाइगर अवनी जी को लेके, टाइगर अवनी को लेके जो आज रैली निकल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या गवर्नमेंट से आप चाहते हैं बेसिकली टाइगर सेफ क्यों? टाइगर सेफ क्यों? क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, हमारा नेशनल प्राइड है, और वैसे ही बहुत कम बचे हैं। 80% पूरे दुनिया में जितने टाइगर्स हैं उसका 80% पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, तो हम इस चीज़ का प्राउड फील करना चाहिए। इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ही प्यार से कंजर्व करना चाहिए। हालांकि ये जो गवर्नमेंट है या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये झूठे इल्ज़ाम लगाकर अवनी पे उसको मारने का प्रबंध कर रही है, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही अनएथिकल है, क्रूअल है और इल्लीगल है। अवनी को मैन ईटर करार दिया गया है, जो बहुत ही झूठा इल्ज़ाम है। अवनी अपने टेरिटरी से बाहर जाके उसने किसी को मारा नहीं है। उसके टेरिटरी के अंदर, उसके फॉरेस्ट के अंदर, डीप विद इन हर फॉरेस्ट, पीपल हैव टेकन देयर कैटल फॉर ग्रेजिंग। क्यों? अगर हमारे घर में कोई आता है, हमको हक दिया जाता है कि अगर वो हम पे कोई भी इन्वेजन करे तो हम उसका सेल्फ डिफेंस के लिए खून तक कर दे। वो हमको एज अ लॉ, हमको भी वो एक सुविधा दी गई है। तो फिर एक जानवर जो टेरिटरी प्रोटेक्ट करने के लिए माना गया है, टाइगर इज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग हर टेरिटरी विच इज़ द फॉरेस्ट। इफ़ अ मैन इन्वेड्स हर टेरिटरी, शी हैज़ फुल राइट्स टू अटैक, टू डिफेंड हर कब्स। अवनी के दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 9 महीने के हैं, जो 2 साल तक वो खुद से शिकार नहीं कर पाएंगे। तो अगर अवनी को मारा जाता है तो हम वो दो बच्चों की जान भी खतरे में डालते हैं। दूसरी बात, बहुत ही शवत खान नाम के शूटर को हैदराबाद से बुलाया गया है अवनी को मारने के लिए। क्यों? यहाँ पे वेटरनरीज नहीं है जो उसको ट्रैंकुलाइज करके कैप्चर कर सके, और कैप्चर करके रिलोकेट भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये
टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, वो अपनी टेरिटोरी में ही रूल करता है. जब आप उसको रिलोकेट करते हो किसी और की टेरिटरी में, तो वहाँ पे झगड़े होकर भी वो मरने ही हैं. तो वी डू नॉट वांट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू रिलोकेट अवनी, वी डू नॉट वांट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू गिव दिस फॉरेस्ट टू इंडस्ट्रीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज और फॉर माइनिंग ऑफ व्हाटएवर रीजंस. बहुत ही बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने ये लैंड लिया है और जिस वजह से वो लोग अवनी को हटाने की बात कर रहे हैं. और बहुत ही कन्वीनियंटली ये बात कही गई है, शी इज़ अ मैन ईटर. शी इज़ नॉट अ मैन ईटर, शी इज़ नॉट प्रूवन टू बी अ मैन ईटर. तो प्लीज़ हम ये दरख्वास्त करते हैं ना सिर्फ गवर्नमेंट से बल्कि हर एक सिटीज़न से, इंडिया के जितने लोग हैं जो ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप लेट अवनी लिव. फेसबुक पे पेज बनाया गया है खास इस चीज़ के लिए, उस पर जाएँ, उस पर पेटिशंस है, उस पर आपको ईमेल एड्रेसेस मिलेंगे जिस पर आप मेल कर सकते हो, आप अपनी प्ली रख सकते हो कि प्लीज़ ये ना होने दे, ये अनर्थ ना होने दे. आज अवनी है, कल कोई और होगा और ये रुकने वाला नहीं है. हमको अपने फॉरेस्ट को बहुत ही प्यार से प्रिजर्व करना है. कल की जनरेशन को झाड़ नहीं दिखेंगे. आप क्या करोगे, पूरा सीमेंट 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 करके पावर फैक्ट्री पावर प्लांट करके आप करने में क्या वाले हो. प्लीज़ ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, वोट बैंक्स के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए. बेजुबानों की अपने नेशनल एनिमल की जान ऐसे बलि ना चढ़ाएं. प्लीज़ मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और जितनी जनता है उनसे कि प्लीज़ स्पीक अप फॉर अवनी, लेट अवनी लिव प्लीज़. हम अपनी तरीके से, हम लोग सारे जितने ऑफिशियल्स हैं, जैसे ऑनरेबल सीएम हो गए, ऑनरेबल पीएम हो गए, उनको ट्विटर पे हम लोग ये कर ही रहे हैं. बट उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई लॉयर्स को अप्रोच कर चुके हैं जो ये केस वापस से उठाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि शूट एट साइट ऑर्डर तभी किया जा सकता है अगर उसको ट्रैंकुलाइज ना किया जाए. बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने ट्राई भी नहीं किया है उसको ट्रैंकुलाइज करने का. उन्होंने बहुत ही कन्वीनियंटली एक इन फेमस हंटर को बुलाया है जिसका शौक है बड़े बिल्लियों को मारना, और वो बंदा पिछले दो दिन से, आज तीसरा दिन है, तीन दिन से वो अवनी और उसके बच्चों को ढूंढने में लगा है. अवनी बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और वो उसको चकमा देके अब तक बचती रही है. हमारा एक ही है कि ये जो शूट एंड साइट ऑर्डर दिया गया है इसको प्लीज़ रिवर्स करें, इस वो जो हंटर फॉरेस्ट में गया है उसको वापस भेज दिया जाए. और इसके लिए जो भी बन पाता है हम कर रहे हैं. द मेन थिंग इज़ अवेयरनेस अमंग द पब्लिक. तो प्लीज़ उठिए, बोलिए, आप अपने लेटर्स डालिए पीएम और सीएम को, यही हमारी दरख्वास्त. आज मार्च निकाल रहे हैं, आप ये कहाँ से कहाँ तक होगा उसके बारे में जानना चाहेंगे? हमारा अब तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग ये कार्टर रोड को कवर करेंगे और जितना हो सके, बिकॉज हम चाहते हैं कि जितने लोग इस चीज़ को लेके जागृत हो उतना ज़्यादा ये मैसेज पहुँचेगा. और हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी करके, कैसे भी तरीके से वोट्स हासिल करने के लिए, हम अपने इंडिया के हेरिटेज को, अपने नेशनल एनिमल को हम लोग खो नहीं सकते हैं. तो प्लीज़ कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए, और इस चीज़ को अगर होने दिया जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी हम सब के लिए. हम चाहते हैं कि और नेशनल लेवल के जितने एक्टर्स हैं, जितने स्पोर्ट्स पीपल है, जो भी है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, वो सारे आगे आके अवनी के लिए बात करें. बहुत से लोगों को पता भी नहीं है क्या हो रहा है, बहुत कम न्यूज़पेपर्स में इस बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत गिनी चुनी बातें बता रही है, और जितनी बता रही हैं वो भी बहुत गलत तरीके से बताई जा रही हैं. तो हमारा ये है कि प्लीज़ वो झूठ को आप ना माने, ये ना माने कि अवनी ने इंसानों का खून किया गया है. 13 लोगों के बॉडीज़ में से सिर्फ 3 लोगों के बॉडीज़ का डीएनए टेस्ट किया गया है, जिसमें से सिर्फ एक में फीमेल टाइगर का डीएनए मिला है जो अवनी का है करके प्रूव नहीं हुआ है. तो आप समझ सकते हैं इसमें कितने सारे लूप होल्स है, इन्वेस्टिगेशन में कितने सारे लूप होल्स है, और ये सिर्फ एक कवर अप है, एक स्पीचलेस, एक जो अपने आप को खुद बयान नहीं कर सकती कि उसने ये चीज़ नहीं की गई है. तो इनके लिए बहुत ही ईजी तरीका है उसको फ्रेम करके अपने आप को हीरो बनाने का. तो हम ये चीज़ नहीं होने देंगे. Thank you.